शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के लाइजनिंग ऑफिसर द्वारा उत्तरकाशी के जिला शिक्षा अधिकारी को दी गई थप्पड़ मारने की धमकी का मामला तोड़ पकड़ने लगा है, जिसको लेकर यूकेडी युवा प्रकोष्ठ द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया और शिक्षा मंत्री और लाइजनिंग अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गयी। चिंता दिखाते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन न करते हुए उन्होंने यात्रा करी और किस प्रकार से अभी स्कूल सारे बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, लेकिन उसके पश्चात भी आखिर आप क्या संदेश जनता को देना चाहते हैं और उसके पश्चात जब आपकी यात्रा उत्तरकाशी में पहुंचती है तो वहां पर इनके लेजन ऑफिसर सुरेंद्र पाल सिंह द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी जी को वहाँ पर धमकाया जाता है और वो भी किसी स्कूल में, बालिका स्कूल जो वहाँ पर है बड़ेती में, वहाँ पर उनको किसी शिक्षक को प्रमोशन के मुद्दे को लेके उनको धमकाया जाता है और थप्पड़ मारने की धमकी दी जाती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक गैर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किस प्रकार का रवैया हमारे शिक्षकों के साथ किया जाता है, जो शिक्षक ज्ञान के द्वारा पूरे सबको अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन इनके द्वारा वहाँ पर निंदनीय कार्य किया गया और जिस प्रकार से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले हमारे शिक्षा मंत्री द्वारा। और इस संबंध में केंद्रीय युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेंद्र बिस्त ने मामले में जल्द से जल्द न्याय की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि युवा प्रकोष्ठ द्वारा सौंपे गए इस ज्ञापन में किसके पक्ष में निर्णय आता है। चाहे कहीं भी रहें, अपने शहर से जुड़े रहें और अपने शहर की हर खबर के लिए डाउनलोड करें लोकल लाइव ऐप गूगल प्ले पर उपलब्ध।